हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज किस नए वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका भी IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट है तो फ्रेंड्स जो है कि आप कैसे जो है कि नॉमिनी को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आपके जो है कि मोबाइल नंबर पर मैसेज गया होगा, फिर आपके मेल पर जो है कि मैसेज गया होगा कि आपके अपने अकाउंट में आप नॉमिनी को अपने ऐड कर लीजिए। क्योंकि नॉमिनी को ऐड कर लेंगे तो जो भी अगर आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका सारा जो पैसा होता है आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। अगर आपके अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं होगा तो आपके पैसे को जो है कि किसी को नहीं दिया जाता। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि आप नॉमिनी ऐड कर लेते हैं तो आपका सारा जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस होता है वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो हम इस वीडियो में टोटल इन्फॉर्मेशन, टोटल प्रोसेस बताने वाले हैं कैसे जो है कि आप अपने IDFC फर्स्ट बैंक में नॉमिनी को ऐड करेंगे। नॉमिनी ऐड किसी का भी कर सकते हैं, घर के फैमिली के भी आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी ऐड करने के सिंपल तरीके बताएंगे। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में IDFC फर्स्ट बैंक को लॉगिन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है कि IDFC फर्स्ट बैंक में लॉगिन करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपका जो है कि फिंगर को जैसे रखेंगे या फिर अपना जो है कि लॉगिन पासवर्ड जो है कि लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने फिंगर से जो है कि लॉगिन को कर लिया है, लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपका IDFC फर्स्ट बैंक का जो है कि डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ जैसे ऊपर देखेंगे आपको इस तरह दिख रहा है सेविंग अकाउंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर देखिए सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा, कस्टमर नेम, आपका जो है कि अकाउंट नंबर आ जाएगा, IFSC कोड आ जाएगा, स्विफ्ट कोड आ जाएगा, आपका ब्रांच आ जाएगा, आपका जो है कि नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट जो यहाँ पर देखिए मंथली आपका शो कर देगा। यहीं से आपको नीचे देखिए आ जाएगा नॉमिनी नेम। नॉमिनी नेम हमने जो है कि ऐड नहीं किया हुआ है तो देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहीं से जो है कि आप ऐड करेंगे, साइड में आपको ऐड दिया, आप ऐड पर जैसे क्लिक करेंगे इस तरह जो है कि इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है कि नॉमिनी नेम आप डालेंगे, उसके बाद जो है कि नॉमिनी का रिलेशन डालेंगे, जिनके नाम से आप करना चाहते हैं उनसे आपका रिलेशन्स क्या है उसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कि आप नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस आ जाएगा। अगर आपका नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप यहां सेम कर देंगे। अगर सेम एज माय पेरेंट्स एड्रेस तो यहां पर क्लिक करके दोनों कर सकते हैं। यदि आप अगर दूसरा जो है कि एड्रेस आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू एड्रेस पे करेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे। तो यहां पर जो है कि हम नॉमिनी का ऐड कर लेते हैं और उसके बाद सारा फिल करने के बाद आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। यहाँ पर जो है कि आप नॉमिनी का नेम डालेंगे, उसके बाद रिलेशन डालेंगे, उसके बाद आप उनका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अगर आपका सेम है तो सेम डाल दीजिएगा। अगर आप ऐड न्यू करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। एज जैसे क्लिक करेंगे आपका कंट्री आ जाएगा, यहाँ पर एड्रेस लिंक आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, स्टेट आएगा, इसको डालकर कन्फर्म करेंगे। तो मेरा जो है कि सेम है तो हम सेम पर क्लिक कर देंगे। जो मेरा है वही मेरे जो है गार्जियन जो नॉमिनी है उन्हीं का सेम एड्रेस है तो हम सेम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आपसे एम पिन पूछा जाएगा, आपने जो एम पिन डाला है उसको यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही आप जो है कि एम पिन डालेंगे योर हैव सक्सेसफुल एडेड, ठीक है, आपका जो नॉमिनी है उनका नाम आ जाएगा, उनके पास जो है कि अकाउंट नंबर आपका आ जाएगा, उसके बाद आपका नेम आ जाएगा, उसके बाद जो है कि कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा। आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर देखिए सक्सेस योर नॉमिनी ऐड टू अकाउंट, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है कि आप नॉमिनी ऐड कर लिए, इसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे, आपका जो है कि इस तरह से हो जाएगा, आपका नॉमिनी ऐड कर दिया गया है। उसके बाद आप रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे जैसे कि हम इसको फिर हटा देंगे। IDFC फर्स्ट बैंक को एक बार से रिफ्रेश कर लेंगे, उसके बाद फिर से इसको ओपन करेंगे। आप जैसे ओपन करेंगे फिर से आपको ओपन कर लेना है, जैसे हम आपको बताए थे उसी तरीके से आपको इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जैसे रिफ्रेश करके आएंगे तो नॉमिनी नेम यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप जो है कि चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आप जैसे चेंज पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ नॉमिनी नेम वैसे ही डालना, सेम डालकर उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, आपका नॉमिनी नेम ऐड हो जाएगा। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको रहने देंगे, आपका जो है कि बैक कर लेंगे, आपका नॉमिनी ने जो भी आप नॉमिनी ऐड किया है यहाँ पर देखिए ऐड हो चुका है। तो इस तरह से जो है कि बहुत ही आसान तरीके से आप जो है कि IDFC फर्स्ट बैंक में अपने नॉमिनी को ऐड कर पाएंगे। आपको अपने बैंक में नॉमिनी ऐड करने से आपको बहुत सारी जो है कि दिक्कतें नहीं होती हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर आपका डेथ हो जाता है तो आपका जो भी नॉमिनी ऐड किए रहेंगे उनको जो है कि जो भी आपका पैसा होता है आपके अकाउंट में वो उनको डायरेक्ट जो है कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अगर आप जो है कि नॉमिनी ऐड नहीं किए होते हैं तो ऐसे जो है कि आपके पैसा को आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, जैसे कि इसमें प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है कि नॉमिनी ऐड कर लेंगे तो आपको इस तरह से जो है कि बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा है कि मेरे द्वारा जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बताइए वीडियो कैसी थी। अगर आप किसी टॉपिक वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।